देखिए, जाते जाते गणेश जी के कान में ना कुछ जरूर कहिएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आप कुछ उनसे मांगे। आप प्रभु ने बिना मांगे इतना कुछ दिया है कि आप बिन मांगे बस उनके लिए ढेर सारा प्रेम भी उनके कान में बोल देंगे ना, तो वो स्वीकार लेंगे। और जीवन में क्या चाहिए, ऐसे में चलिए अब आपको लिए चलते हैं तेरी मेरी डोरिया की ओर, जहां पर प्रेम स्वीकार लें एक दूसरे का तो बेहतर होगा, नहीं तो ये जो रोमी है ये बीच में आए जा रहे हैं। धुआं धुआं सा आज ये देखिए ये पूरा माहौल कैसे हो गया है। ये वो सेलिब्रेशन का पल है जहां पर अंगद साहिबा मिलने वाले हैं। अब साहिबा को क्या पता कि उसके पति अंगद सिंह ब्रार को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं, यहां पे फेलिसिटेट कर रहे हैं। वो उस चीज की एक अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है और उसमें साहिबा भी आ जाती है और ये भाई साहब भी आ जाते हैं साहिबा के पीछे पीछे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या होता है। जब उसे यूं अचानक सरप्राइज के तौर पर मिली तो वो थोड़ी सी नाराज भी नजर आई। अब भी इतना बड़ा दिन है अंगद के लिए और साहिबा को किसी ने बताना जरूरी ही नहीं समझा। अब कोई नहीं साहिबा, पता चल गया है ना, जिसे तुम्हें यहाँ भेजना था उसने भेज दिया है। हाथ में माला लिए वो अंगद को पहनाने ही वाली थी कि ये देखिए रोमी ने ही कैसे रोक लिया, साहिबा का हाथ पकड़ लिया। जो वो अंगद की तरफ अपना प्यार दिखाना चाहती है या फिर जो भी वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहती है वो रूमी को पसंद नहीं, और रूमी नहीं चाहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे वो अंगद के करीब आ जाए। और इसीलिए रूमी भेष बदल के पूरी कोशिश करेगा कि साहिबा अंगद के करीब ना आ पाए। माला गिर गई है और साहिबा माला उठाने जाती है पर इतना धुआं है, ना उसको कुछ दिख रहा है ना अंगद को कुछ दिख रहा है, और कोई साहिबा का हाथ पकड़ लेता है तो उसके आँख में कुछ चला जाता है तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट शी इज़ लाइक स्कैर्ड और वो डर रही है कि हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो। अंगद को भी समझ में नहीं आ रहा है, बट जैसे थोड़ा उसको समझ में आता है कि कुछ दिख रहा है कुछ हो रहा है कुछ शोर मचा रही है साहिबा शायद, तो वो जाते हैं। अब इतना धुआं धुआं है कि साहिबा को नजर ही नहीं आ रहा है कि कौन है। कुछ पल के लिए अंगद को भी समझ नहीं आया, लेकिन अंगद ने जब साहिबा की रोने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ा और उसने उस इंसान को भी देखा जो इंसान साहिबा का हाथ पकड़कर भागा है। हाँ, छेड़ रहे थे तुम? धुआं बहुत था, मुझे भी नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं धुआं इतना था, मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे बस बाद में साहिबा रोते हुए दिखी और मैंने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ, और वो उसने बोला कि किसी ने परेशान किया उसे, फिर ये आदमी मुझे दिखा, फिर मैं इसके पीछे भागा। धुआं भी इतना था कि मैं, मुझे खुद पता नहीं चला मैंने क्या किया। साहिबा इसकी गलती भी नहीं है धुएं की गलती है, गलती धुएं की है। जब साहिबा ने बताया कि मेरे किसी ने हाथ पकड़ा था तो अंगद का तो खून खोल गया, ऐसे कैसे साहिबा को किसी ने हाथ लगाया। तो फिर वो भागते हैं, उनको जैसे लगता है कि हाँ ये होगा शायद, तो वो बंदा भी भागता है और अंगद भी पीछे पीछे भागते हैं उसके। अब रोमी यहाँ पर रूप बदल कर आया है, उसकी पूरी कोशिश है कि साहिबा और अंगद मिल नहीं पाए। उसने इस सेलिब्रेशन में ढोल के साथ एंट्री ली है। अब जब अंगद को ये पता चल गया है कि कोई तो है जो उसकी पत्नी साहिबा के पीछे है, तो वो भागा उसके पीछे। और अब सोचिए अगर अंगद के हाथ रोमी लग गया तो क्या होगा रोमी का, सारी रोमियोगिरी वो दो पल में निकाल देगा। पंजाबी मुंडा है, एक हाथ ही काफी है उसका रोमी के लिए। वैसे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन और भी चल रहा है, दार जी का आज जन्मदिन है, उनके अपने बेटे ने एक केक भी लाया है और देखिए पूरी यूनिट कैसे दार जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। अब
घरों में अपनी जान बचाने के लिए और भी कुछ हथकंडे अपनाने वाला है। हमने सुना है कि यहाँ का झूमर अंगद पर वो गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन साहिबा के रहते ही कोई अंगद का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये बात ना रोमी बहुत जल्द समझ जाएगा। जब सारा काफी कुछ हो जाता है और वापस अंगद आते हैं तो साहिबा अंगद की कुछ बातचीत होती है, तो साहिबा जाने को होती है और वो देखती है कि ऊपर से झूमर गिरने को तैयार है, बचाती है फिर वो कमी है कोई सुपर वुमन। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।